नमस्कार सभी को। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होम्योपैथी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है, कितना असरदार होती है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सर, हम अपने छोटे बच्चों को अभी से अंग्रेजी दवाओं का आदी नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि होता क्या है, ओवर द टाइम बच्चे उस दवा के लिए भी सेंसिटिव हो जाते हैं या फिर उनको वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल असर करना कम कर देती है। तो ऐसे में होम्योपैथिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप छोटे बच्चों को देंगे तो बिना किसी साइड इफेक्ट के इम्यूनिटी बढ़ाते हुए वो बच्चों को बिल्कुल हेल्दी बना देगी। तो इस तरह से कई सारे होम्योपैथी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बारे में आज आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है कोल्ड केयर। तो ये कोल्ड केयर यानी कि बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी वगैरह में दी जाने वाली होम्योपैथिक दवा। आप देख सकते हैं ये सारे होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें मिली हुई है। इस तरह से ये कोलिक केयर, छोटे बच्चों में पेट में ऐंठन वगैरह हो जाती है, दर्द हो जाता है पेट में, तो इस तरह से दवा आती है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसके फाइल्स आते हैं। तो फिर इसका आपको पानी में मिक्स करके बच्चों को देना होता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के उनको अपनी परेशानी में आराम मिल जाता है। देखिए, ऐसे करके कई प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे बच्चों का सोप आता है, बेबी केयर सोप, ठीक है, ये आपका हो गया, शैम्पू हो गया, ये मसाज ऑयल हो गया, पाउडर हो गया, ठीक है। इसी तरह बच्चों में आपने देखा होगा कि कमज़ोर डाइजेशन यानी कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, भूख नहीं लगती है, कमज़ोरी होती है, तो ये अल्फा पीडिया टॉनिक आता है। ये आपका है लिफ्टी पीडिया यानी कि लिवर के लिए दी जाने वाली दवा। उसी तरह से आपने देखा होगा कि बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, भूख कम लगती है, कमज़ोर महसूस करते हैं, मानसिक विकास कम है, उसमें हम ये अल्फा पीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तो चॉकलेट फ्लेवर में आता है तो ये बच्चों को और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से देखिए, ये अल्फा टॉनिक बीजन का भी आता है, ये भी अच्छी दवाई है। अब एक मामा नेचुरा करके एक कंपनी है, श्वाबे की सब्सिडरी कंपनी, तो ये भी अच्छी मेडिसिन बनाती है। आप देख सकते हैं, ये आपकी बच्चे पेशाब कर लेते हैं बिस्तर में, उसके लिए दी जाने वाली इनोकाइंड, खांसी के लिए दी जाने वाली टसीकाइंड, उनको बच्चों को अगर एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है यानी कि मौसम बदलने में छींके वगैरह आती है तो उसके लिए लुफाकाइंड, और हल्का सर्दी जुकाम खांसी रहती है तो उसके लिए निसीकाइंड, और रात को सोते टाइम बच्चों को परेशानी होती है, इरिटेटेड रहते हैं, चिड़चिड़े, तो उसके लिए आपकी किंडीवर, तो इस तरह की दवाइयाँ भी आती है। बच्चों को अगर वायरल का मौसम हो रहा है, आप चाहते हैं कि बच्चे बीमारी ना हो, पहली प्रोफाइलेक्टिक यानी कि पहली एहतियात में अगर आप इस दवा को दे दें, एनएस बर्बरी, तो उनको परेशानी ही नहीं होगी। उसी तरह से पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, वोरमोरिड ड्रॉप्स, आपको पता होगा अगर बच्चों को खांसी हो जाती है तो उनको हम अक्सर शहद दिया करते हैं, शहद काफ़ी अच्छा होता है, कफ निवारक और आराम दिलाता है। तो ये वासा कफ आता है छोटे बच्चों के लिए, ये हनी वाला कफ सिरप रहता है बच्चों के लिए, सब होम्योपैथिक है। आप देख सकते हैं ग्राइट मिक्सचर, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो उस समय उनको पेट में दर्द वगैरह होना, उल्टी आना, इस तरह की परेशानियाँ रहती है, तो एक ग्राइट मिक्सचर का भी इस्तेमाल होता है। और मेरे काफ़ी पहचान में परिचित लोग भी, मेरे रिलेटिव्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। और बच्चों के समस्त विकास यानी कि जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनमें हड्डियाँ और दांत, इन दोनों का ही डेवलपमेंट मेन मायने रखता है। तो उस समय आपने देखा होगा कैल्केरिया फॉस 3X नाम की ये दवा है, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है, मैं अपने क्लिनिक में भी काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो कुछ प्रोडक्ट्स थे जो छोटे बच्चों के होम्योपैथी में आते हैं। अभी कई और सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस समय मेरे पास या तो अवेलेबल नहीं है, या मेरे स्टॉक में रखे होंगे, या मैंने ऑर्डर दे रखे होंगे, लेकिन छोटे बच्चों में आप देख सकते हैं होम्योपैथी में ही कम से कम 100 से ज़्यादा तरह की रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की खासियत बात यह है, इन दवाइयों की खासियत बात यह है कि ये, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये बच्चों की सेंसिटिविटी नहीं बढ़ाएंगे, और ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाते हुए उनको एक हेल्दी इंडिविजुअल के रूप में आगे जाके आप देखेंगे कि आपके बच्चे बाकी बच्चों से ज़्यादा स्वस्थ हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि अगर मेरे भी बच्चे आगे होंगे तो मैं उनको आगे जाके इन्हीं होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करूँगा, ताकि वो इम्यून तो रह ही रहे, साथ में उन्हें कोई साइड इफेक्ट्स या फिर कोई और सेंसिटिविटी किसी ड्रग्स के प्रति ना हो। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स हमारे होम्योपैथी में आते हैं छोटे बच्चों के लिए। सो आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं रहता है कि छोटे बच्चों के लिए भी क्या होम्योपैथी में दवाइयाँ आती हैं। तो जी हाँ, कई सारी आती है, इनमें से कुछ दवाइयाँ तो मैंने आपको ये दिखा दी, और आगे कई और दवाइयाँ हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी डॉक्टर को परामर्श लेकर अगर इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, साथ में कुछ दवाइयाँ चलती है छोटे बच्चों की, जैसे कैमोमिला चलती है, सीना चलती है, रियम चलती है, ठीक है, तो उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए अगर आप इन दवाइयों का साथ में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनहेंस रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा बच्चों को आराम मिलेगा, अपनी बीमारियों से निजात मिल पाएंगे। सो इस वीडियो में आज मैं आपको इसी के बारे में बताना चाहता था। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर सच कंटेंट, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अदर वीडियोज इन अवर चैनल एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।